नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जैसे बर्निंग यानी जल जाना है। क्या चीज की खाना बनाते समय औरतें या ऐसे कोई भी काम करते समय अग्नि के पास कोई जल जाता है तुरंत, तो अगर फर्स्ट एड उनको न दिया जाए यानी तुरंत उपचार न किया जाए तो उस कंडीशन में बड़े बड़े फफोले हाथ पांव शरीर के किसी भी पार्ट में जला हुआ भाग है वहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे होम्योपैथ की जो मेडिसिन है कैंथ्रीज क्यू पावर, इसको आप अपने घर पे किसी भी मेडिकल के होम्योपैथ के हिसाब से आप लेकर के रख लें और क्यू पावर की मेडिसिन हाफ ऑन्स एक ऑन्स कुछ भी रख लीजिए। कभी भी हाथ पांव शरीर के किसी भी पार्ट में कोई भी अंग अगर जल जाए तो तुरंत कैंथ्रीज क्यू पावर को आप हल्का सा लगा लीजिए, फफोला नहीं पड़ेगा, जलन नहीं होगा और जलन तुरंत शांत हो जाएगा। अगर उसके बाद भी लगाने के बाद भी आपको जलन अधिक हो रहा है, लग रहा है मिर्चे जैसा हमको जलन हो रहा है या बहुत अधिक तकलीफ दे रहा है, तो आप कैप्सिकम 30 पावर 5 फूट जीप पे डालिए, जलन तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन कैंथ्रीज क्यू लगाने से फफोले एकदम नहीं पड़ेंगे और दूसरा चीज कि जलने के बाद वो पार्ट सफ़ेद हो जाता है। तो कैंथ्रीज क्यू पावर के अंदर एक खासियत है कि जिस अंग पे आप लगाएंगे जो भाग जला हुआ है वहाँ फफोले तो नहीं पड़ेंगे और अगर किसी रीजन से पड़ भी गए तो आपको सफ़ेद दाग नहीं होगा, इस चीज़ से कैंथ्रीज क्यू आपको बचा लेगा। इसलिए दोस्तों, आप मार्केट से कैंथ्रीज क्यू ला कर अपने घर पर रखें और कभी भी किसी को छोटे बड़े बुजुर्ग किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए जल जाए तो तुरंत सबसे पहले मेडिकल उपचार लेने से पहले आप कैंथ्रीज क्यू को लगाएं और उससे सुरक्षित रहेंगे।